तुम्हें पता ना विक्की ओ'नेल ने क्या किया? No, don't tell me, तुम्हें नहीं पता। उन्होंने अल्कोहल की बॉटल रंजली के कमरे में रख दी। You know what, Meg? मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। या मैं डिसअपॉइंटेड हूँ या फिर डिस्गस्टेड। यार प्लीज मैं कोई डिफेंस मत देना। ये सब गलती तुम्हारी है। सब तुम्हारी हवा दी हुई है ना ये? प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें गलत फहमी है। इसीलिए तुम इतनी स्ट्रेस थी ना उस दिन जब मैंने पूछा नेहल से तुम्हारी क्या बात हुई। मैं मुझसे झूठ बोलकर अंजलि के खिलाफ तुम साजिश कर रही हो ना? एक दिमाग खराब हो गया तुम्हारा यार। मुझे यकीन भी नहीं था मैं कि तुम अंजलि से इतनी नफरत कर सकती हो। कैसे यार, तुम किसी से कभी नफरत कर ही नहीं सकती थी यार। उसके खिलाफ इतना जहर क्यों खोल रही हो तुम? सॉरी, एक बार आराम से बैठ के बात करते हैं। अरे नहीं करनी तुमसे बात यार, नहीं सुनी तुम्हारी कोई सफाई। मुझे समझ नहीं आ रहा माँ से अलग करके भी तुम अंजलि का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। अपनी लाइफ बर्बाद करके, मेरा पीस बर्बाद करके, अब क्या मेरी जिंदगी बर्बाद करके मानोगी तुम? You know what? I don't want to see your face. नेहल, अभी तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बच्चे के लिए हैप्पी थॉट्स रख। मैं हूं ना टेंशन लेने के लिए, मुझ पर छोड़ दे। मैं जानती हूँ तुमने सच्चे दिल से मेहनत करी, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन भाभी, भैया हमसे मिलेंगे भी नहीं क्या? वो मुझसे बहुत गुस्सा है, मुझे देखना भी नहीं चाहता। तुम दोनों से भी बहुत नाराज है वो। मैंने उसे बताया कि तुम लोग यहाँ आए हो, लेकिन वो पलटा तक नहीं। अब समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे मनाऊं, क्या किया जाए। मासी, हेलो। अरे क्या बहू, धीरे धीरे घर खंडर हो रहा है। जिस बात का हमारे मन में डर था वो सच साबित हो रही है। अब तो नेहल और विक्की भी यहाँ पे आ गए। आप वहाँ पे बिल्कुल अकेली पड़ गई होंगी ना, तब क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे होगा क्या, वही होगा जो नागफनी अंजलि चाहेगी। अरे बेटा, विक्की और नेहल के जाने के बाद इस लड़की ने बहुत ही नाटक किया, सबको गरियाया कोसा, अपने आप को लाचार और बेचारा साबित किया और सबको धोखेबाज झूठा और मक्कार साबित कर दिया। जीजी के सामने अपनी दुख भरी दास्तान सुना के सारी जायदाद अपने नाम कराए ले रही है। जाएंगी कल जीजी कचहरी और सब कर देंगी अंजलि के हवाले। ये पावर अटॉर्नी पे आप दोनों के सिग्नेचर चाहिए। कसम शैतान की, माँ के दिल में उतरकर दिमाग में ऐसे कीड़े भरूंगी, घुल घुल कर पागल होके मरेगी। ना बेटा ना बहू, ना कोई सगा संबंधी, कोई भी नहीं है अब जो माँ को बर्बाद होने से बचाए। अंजलि बेटा, तुम साइन कर दो। अंजलि बेटा, कहाँ खोई हुई हो, साइन कर दो पेपर। माँ, कहीं भाई और भाभी मुझे गलत तो नहीं समझेंगे? जिसको जो समझना है समझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा दिल साफ है ना बेटा, साइन करो। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अब तू ही संभालना ये सब। क्या हुआ ड्राइवर? बेचारा आ गया मैडम, इंजन में चेक कर लेता हूँ। ध्यान क्यों नहीं रखते हो तुम लोग? गाड़ी ठीक होने में टाइम लगेगा, और बाहर देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। चलिए ताजी हवा खाते। ठीक है, चलिए।
काश इस वक्त एक ड्रैग मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी। गेम अब हम तुम्हारी तरह खेलेंगे और तुमसे बेहतर खेलेंगे, लेकिन अब तुम मेरे घर को भी घर रोज तक नहीं पहुंचा पाओगी। फंस गई है यार। जहाँ फंसी है वहां से अब हम उनको निकालेंगे। मुझे पता है हम जो ये कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन ये सही के लिए ही हो रहा है। और अब हमें एक तीर से दो शिकार करने हैं। क्या मतलब भाभी? ध्यान से सुनो, अब आगे क्या करना है। प्लीज प्लीज। शौरी, महक तो अभी तक आई नहीं। कहाँ रह गई है? दूसरा ही दिन है आज। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी मैं लेट हो गई, किचन का सामान लाना था तो शॉपिंग करने में लेट हो गया। मैं अभी काम शुरू करती हूँ। मुझे ज्ञान देती है, खुद लेट आती है। क्या चल रहा है? अंदर एसी चल रहा है,
फुल पे, इसको पहन के काम करूंगी। चोरे लल्ला। मासी क्या हुआ? चोरे लल्ला, अंजलि को किसी ने किडनैप कर लिया है। मासी अब रोइए मत, पहले बताइए हुआ क्या है। अंजलि किडनैप हो गई है, पता नहीं किसने किया, अब क्या होगा। मुझे माँ के पास जाना होगा, पता नहीं उनकी क्या हालत हो रही होगी। मैं भी चलती हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगा यार। ठीक है। माता रानी, मानती हूँ मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मेरे इस गुनाह की वजह से शौर्य और माँ फिर से पास आ जाएंगे। विकी, रेडी है ना? याद है ना क्या करना है? माँ, शौर्य तेरी बहन को वो लोग ले गए, किडनैप कर लिया तेरी बहन को। अंजलि को कुछ नहीं होगा, मैं उसको ढूंढ कर लेकर आऊंगा। मां बिल्कुल सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। मैं जब तक अंजलि का भाई जिंदा है ना, अंजलि पर आंच नहीं आएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। जी जी, पानी पी। इंस्पेक्टर, क्या डेवलपमेंट है? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, जो भी हो तुम्हें पता नहीं, मैं अंजलि हूं। रुकिए, अगर ये रैंसम कॉल हुआ तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा लीड हो सकता है। आप फोन उठाइए और बात करिए, तब तक हम इस कॉल को ट्रेस पर डालते हैं। जल्दी करो और ट्रेस करो ये कॉल कहां से आया है, इस कॉल को रिकॉर्डिंग पर डालो, जल्दी कीजिए। हेलो, अगर तुम उस लड़की की सलामती चाहते हो तो वक्त मत बर्बाद करो हमारा। अपनी अपनी डिमांड बताओ। बोलो इसे। हम फिर फोन करेंगे आपको। हेलो हेलो, प्रोफेशनल लगता है 30 सेकंड से पहले कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया ताकि कॉल ये ट्रेस हो ना पाए। कोई बात नहीं, हम अगले कॉल की वेट करते हैं। स्पीकर ऑन करके बात कीजिए। हेलो, इस लड़की के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी सब बेचकर हमें ट्रांसफर करो, वरना सिर्फ प्रॉपर्टी रह जाएगी लड़की ने। अंजलि, अंजलि, मेरी अंजलि को कुछ मत कर, तुम्हें जो चाहिए हम दे देंगे बेटा, जैसा ये कहते वैसे करती रहो। ये कॉल तो अलग नंबर से था, मतलब उनके पास मल्टीपल नंबर्स हैं, फिर तो वो कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। तुम डिटेल शेयर करो टेक्निकल टीम से, जल्दी। लेकिन ट्रेस नहीं हुआ है सर। हेलो, अगर तुम उस लड़की की सलाह इंस्पेक्टर साहब, प्लीज थोड़ा आवाज तेज करिए। बात करो, अपनी अपनी डिमांड बताओ, हम फिर फोन करेंगे आपको। सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी लगा दी गई है सर। माँ, इस मुश्किल वक्त में नाराजगी प्लीज छोड़ दीजिए, इस वक्त तो हम सबको साथ होना चाहिए। मैं मंदिर गई थी अंजलि की सलामती मांगने, जो गलतियां हुई हैं अब वो सारी सुधर जाए। जी जी, प्रसाद से रुष्ट मत हो, अंजलि के लिए स्वीकार कर लो।
जैसे ही मुझे पता चला यहाँ क्या हुआ है, मैं जल्दी जल्दी भाग कर आ गई। विक्की भी शहर से बाहर गए हुए हैं। नहीं, तू ठीक तो है ना? शौर्य, हमें जल्द से जल्द अंजलि को ढूंढना चाहिए। वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए, माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है। वो वॉइस रिकॉर्डिंग वो सुन सकते हैं हम? हेलो, लड़की के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है सब बेच कर हमें ट्रांसफर करो, वरना सिर्फ प्रॉपर्टी रह जाएगी, लड़की नहीं। एक बार रिवाइंड करिए प्लीज। लड़की के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी सब बेच कर हमें ट्रांसफर। ऐसा लग रहा है कि इस जगह के आसपास एयरपोर्ट हो सकता है या लैंडिंग स्ट्रिप, वरना सिर्फ प्रॉपर्टी रह जाएगी, लड़की नहीं। विकी, अब से जब भी फोन करे तो याद रखना कि पीछे कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन की आवाज आनी चाहिए। जी मैम। इंस्पेक्टर साहब, बैकग्राउंड में एक और आवाज आ रही है, चेक करिए जरा। रेलवे स्टेशन की अनाउंसमेंट जैसी आवाज है। मतलब ये जगह किसी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के आसपास है। डाउन करने के लिए काफी है। मैं टीम को रेडी करती हूँ सर। ये एरिया में अबैंडन फैक्ट्रीज है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। यस सर। पूरे इंडस्ट्रियल कंपाउंड में फैल जाओ और सर्च करो। दो सर्च पार्टीज बनाओ और मुझे अपडेट रखना। विकी, हम आ गए। स्टे अलर्ट। गिर गई यहाँ पे और ये मुझ पे गिर गया। शौर्य, जाके अंजलि को ढूंढो। कैसे बेटा तू, ठीक है ना? माँ, संभालो अपने आप को प्लीज। बस बेटा, बस बेटा, माँ के पास है अपनी। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर लग रहा था। शौरी, बेटा अगर आज तू नहीं होता तो कैसे ना होता? भाई उसका मेरा फर्ज है माँ।
जीजी, अपने तो अपने होते हैं, बुरे वक्त में अपने ही अपने साथ होते हैं। कैसे बहू और लल्ला ने सब संभाल लिया? परिवार होता किस लिए आखिर? लेकिन सबसे अच्छी और जरूरी बात तो ये है कि अंजलि हमारे पास सही सलामत आ गई।